आज शाम को 7:45 बजे करीब इतला मिली कि देवडूंगरी में कोई धर्म प्रवर्तन किया जा रहा है। उस पर मैं पूरे थाने का जाब्ता लेके पहुंचा। श्रीमान सीओ साहब को भी हालात दर्ज करके श्रीमान सीओ साहब भी मौके पर पहुँचे, तो देवडूंगरी पे काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी। एक घर में कुछ लोग लेडीजें बैठी हुई थी सहमी हुई, तो वहाँ जाके पूछताछ की थी, साहब हम तो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और एक शिक्षा देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। लोग बाबो वहाँ के साहब ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो वहाँ उनको सुरक्षा के हिसाब से मैं थाने पे लेकर आया और दूसरे पक्ष को भी लेकर आया, जिनमें श्रीमान उच्च अधिकारी कर एडिशनल एसपी साहब, एसपी साहब भी मौके पर धारे, मौके का जायजा लिया और दोनों पक्षों को सुना, तो दोनों पक्षों ने कंप्लेन दे रहे हैं, उस पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। सर क्या जाँच की जाएगी, क्या धर्म परिवर्तन का ऐसा कोई मामला सामने आ रहा है, ऐसा कोई शिकायत दर्ज करेगी? नहीं, धर्म परिवर्तन की इन्होंने शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी जांच का विषय है। उनका बच्चों से इनसे हमने पूछताछ की तो उन्होंने कहा उनको तो अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है कि कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह से लोगों से व्यवहार करना चाहिए, इस तरह हर मंगलवार की मंगलवार ये लेडी टीचर आती है और उनको शिक्षा देती है। सर अभी किस तरह से मोहल्ले वालों को ऑब्जेक्शन था, तो उस वजह से भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई कि भाई मेरी लड़की को जबरदस्ती शिक्षा दी जा रही है। सर अभी किस तरह से अनुसंधान कर रहे हैं, किसी को हिरासत में लिया है? नहीं, अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया, अभी सिर्फ मुकदमा दर्ज करके जांच की जाएगी, उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।